दिल्ली के शाहबाद डेयरी में हुए साक्षी हत्याकांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया था, उसे देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि 20 साल का साहिल आखिर कैसे 16 साल की नाबालिग साक्षी पर हैवानों की तरह हमला कर सकता है। और अब इस सब के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे इस पूरी घटना में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल साहिल ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि पहले उसे झबरू और साक्षी ने धमकाया था, इसके बाद उसने साक्षी का मर्डर किया। आपको बता दें कि झबरू वही युवक है जिसने साक्षी को घटनास्थल से उठाकर एम्बुलेंस में डाला था, और अब इस पूरे मामले में झबरू के किरदार की एंट्री हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर झबरू, साक्षी और साहिल का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि जिस इलाके में साक्षी रहती है, झबरू उस इलाके का एक दबंग युवक माना जाता है, और झबरू ने खुद मीडिया से ये कहा कि 27 मई 2023 को साक्षी और उसकी दोस्त भावना मेरे पास आई थी। उसने कहा था कि साहिल नाम का लड़का उसे परेशान कर रहा है। जो लड़की थी जिसकी मौत हुई, हत्या कर दी गई, उससे कोई बातचीत पहले हुई? मेरी कोई बातचीत आज तक भी फोन पे बात हुई थी मेरी, परसों तक भी, तो वो 27 तारीख को फेस टू फेस ही मिली थी। 27 मई? हाँ जी। तो फिर उसके बाद 28 तारीख को उसका मर्डर ही कर दिया। अब कैसे किया कैसे नहीं किया भी तो देखो क्या जाना। अच्छा, जब लड़की आपके पास आई तो बहुत घबराई हुई थी, क्या उसका हाव-भाव कैसे थे, क्योंकि आपकी उससे मुलाकात हुई है? बैठी हुई थी मेरे पास, आके बैठी थी, तो उसने मेरे को पूरा एकदम आराम से बैठ के रिलैक्स होकर बताया था कि भैया ऐसी ऐसी बात है और एक लड़का मेरे को टॉर्चर कर रहा है। भाई कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो लड़का यहाँ पे खड़ा था, तो हम आए थे, हम तीन ही आए थे, अगर जो हम मारने धमकाने उसको आते तो मैं भी उसकी तरह गैंग लेके आता, ठीक है। वो दोनों लड़की थी मेरे साथ और मैं था बस। और जो लड़की आपसे मिलने पहुंची, वो किसी के थ्रू आपसे मिलने पहुंची या क्या, उसका परिचय आपसे कैसे हुआ? भावना और वो लड़की आई थी, भावना मृतका को आपके पास लेकर पहुंची? हाँ, भावना मेरे साथ की लड़की है। ये बात पूरी तरीके से गलत है कि आपने और भावना ने मिलकर एक दिन पहले साहिल के ऊपर कट्टा ताना, कोई बंदूक उसको धमकाने की कोशिश करी? कट्टा बंदूक होती तो सर ये बताओ ना, मैं यहाँ होता क्या? अब उसके पास चाकू था तो उसने चाकू उस लड़की को मार दिया, मेरे पास कट्टा बंदूक होती तो मैं भी मार सकता था उसको वहीं। ये तो बात है, धमकाता क्यों मैं, और धमका तो सर है भी नहीं, उसको कोई बात ही नहीं हुई ऐसी। आपको बता दे कि झबरू का ये भी कहना है कि मैंने ही साक्षी के शव को उठाकर एम्बुलेंस में रखा था। झबरू का कहना है कि शायद साहिल को शक था कि साक्षी मेरी दोस्त है। लड़की को मारा क्यों आपने, क्योंकि उस लड़की से भी बात की है और आपने साहिल को भी समझाने की कोशिश की? साहिल को गलत लगा हुआ उस लड़की के और मेरे बारे में कि कुछ गलत मैटर चल रहा है, हो सके ये गलत फहमी उसको हुई होगी, क्योंकि उसने आते ही मेरे को भाई ही बोला था और मैं उसकी मदद ही करना था, पर जो किसी की मदद करना गुनाह है तो आगे से नहीं करेगा। आपने साहिल को समझाने की कोशिश करी, क्योंकि ये बताया करी थी कि भाई देखो इसको, लड़की को टॉर्चर मत करो, इसका पीछा छोड़ दो, अपना बात खत्म करो बस। उसके साथ 15-17 लड़के और भी थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, साहिल ने भी वहाँ पे कुछ नहीं कहा, तो हम आ गए थे। वहीं साहिल का आरोप है कि साक्षी और उसके दोस्त ने उसे धमकाया था। साहिल का कहना है कि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं साक्षी के साथ पैचअप करने के लिए उसके ऊपर दबाव डालूंगा तो वो मुझे पीटेंगे। पुलिस का दावा है कि साक्षी और साहिल जून 2021 से रिलेशनशिप में थे और इनके बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, और 8 दिन पहले ही साक्षी ने साहिल से कहा था कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है, और यहीं से साहिल बौखलाया हुआ था, जिसके बाद उसने साक्षी की हत्या कर दी।